आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। देश के 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में नालंदा के बड़गांव और आंगारी भी शामिल है। इन दोनों सूर्य पीठों में छठ पूजन करना दूर दूर से लोग आते हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाय खाए के दिन से ही व्रती परिवार के साथ यहाँ पहुँचना शुरू करते हैं। तो वही आइए जानते हैं इस मंदिर में जुड़ी मान्यताओं के बारे में। सूर्य उपासना के लिए नालंदा का पूरे देश में है महत्व। नालंदा का बड़गांव और औंगारी धाम छठ पूजा के लिए है प्रसिद्ध। छठ व्रती 4 दिनों तक यहां करती है प्रवास। बड़गांव का सूर्य मंदिर पूरे देश में है विख्यात। द्वापर युग से जुड़ा है औंगारी धाम का इतिहास। औंगारी मंदिर से जुड़ी है खास मान्यता। देश के 12 अर्कों यानी 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में नालंदा के बड़गांव और औंगारी भी शामिल है। इन दोनों सूर्य पीठों में छठ पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन से ही व्रती परिवार के साथ यहां पहुंचना शुरू करते हैं। सूर्य के तालाब के आसपास तंबू बनाकर 4 दिनों तक रहते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तालाब के चारों तरफ तंबुओं का शहर बस गया हो। नालंदा के बड़गांव में बना सूर्य मंदिर ना सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। बड़गांव का सूर्य मंदिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र राजा सांब ने बनाया था। छठ पर भगवान सूर्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बड़गांव के इस सूर्य मंदिर में बने सूर्य तालाब को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में नहाने के बाद भगवान सूर्य की पूजा करने से कुष्ठ रोग समेत कई रोग ठीक हो जाते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ प्रसिद्ध मान्यताओं के कारण यहाँ छठ व्रत करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। बता दें कि बड़गांव का पुराना नाम बर्राक था। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बड़गांव से ही शुरू हुई थी। मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने एक बार द्वारका गए थे। उसी दौरान किसी बात पर राजा सांब को हंसी आ गई। महर्षि दुर्वासा ने उनकी हंसी को अपना उपहास समझ लिया और राजा सांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया, जिसकी कथा का वर्णन पुराणों में भी है। बाद में श्री कृष्ण ने राजा सांब को कुष्ठ रोग से निवारण के लिए सूर्य की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। राजा सांब राशि की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो साथ में चल रहे सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। घना जंगल होने के कारण पानी दूर दूर तक नहीं मिला। एक जगह गड्ढे में कुछ पानी था। सेवक ने उसी पानी को लाकर राजा को दिया। राजा ने पहले पानी से हाथ पैर धोया, उसके बाद पानी को पिया। पानी के पीते ही उन्होंने अपने आप में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किया। इसके बाद राजा कुछ दिनों तक उस स्थान पर रहकर गड्ढे के पानी का सेवन करते रहे। राजा सांब ने 49 दिनों तक बर्राक में रहकर सूर्य की उपासना और अर्घ दान किया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बाद में राजा ने ही बड़गांव में तालाब का निर्माण कराया। आज भी ऐसी मान्यता है कि यहाँ तालाब में स्नान करने कुष्ठ जैसे असाध्य रोग से मुक्ति मिलती है। तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य, कल्प आदित्य, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, आदित्य माता, जिन्हें हम छठी मैया भी कहते हैं, सहित नवग्रह देवता की प्रतिमा निकली। राजा ने अपने दादा कृष्ण की सलाह पर तालाब के पास मंदिर बनवाकर स्थापित किया था। साल 1934 के भूकंप के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया।
बाद में ग्रामीणों ने फिर से इस मंदिर का निर्माण कराया। ओंगारी धाम एकंगर सराय प्रखंड के पौराणिक सूर्य नगरी ओंगारी धाम में भगवान भास्कर का प्राचीन मंदिर है। यहाँ कार्तिक और चैती छठ के अवसर पर देश भर के विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने आते हैं। इस सूर्यपीठ की महत्ता ये है कि यहाँ पूजा अर्चना करने मात्र से निर्धन को धन, निसंतान को संतान व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोगियों की काया कंचन होती है। ओंगारी का पुराना नाम अंगगार्ग था। बरगांव की तरह ही यहाँ का भी इतिहास राजा सांब से जुड़ा है। बताया जाता है कि राजा सांब की उपेक्षा से नाराज होकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को तीनों लोकों का समाचार सुनाने के क्रम में इनकी शिकायत श्री कृष्ण से कर दी। कहा कि सांब ब्रज में गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सांब को जाकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। सांब काफी सुंदर थे और उनका चेहरा श्री कृष्ण से काफी मिलता जुलता था। नारद जी ने श्री कृष्ण को भी ब्रज में बुला लिया। प्रचलित कथाओं के अनुसार जब राजा सांब ब्रज पहुंचे तो गोपियां उनमें लिपट गई, जिसे देख वो कूपित हो गए और राजा सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, जिससे मुक्ति पाने के लिए राजा सांब को नारद जी ने ही भगवान सूर्य की उपासना और 12 सूर्य पीठों की स्थापना की सलाह दी थी, जिसके बाद श्राप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब ने ओंगारी धाम में सूर्य की उपासना की और काफी दिनों तक यहाँ रहकर भगवान सूर्य को अर्घ दान किया था। उसके बाद उन्हें कुष्ठ रोग से निजात मिली थी। इस मंदिर में एक खास बात ये भी है कि अमूमन मंदिरों का दरवाजा पूरब की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ के सूर्य मंदिर की दरवाजा पश्चिम की ओर है और इसके पीछे भी पौराणिक मान्यता है कि एक बार ओंगारी धाम के रास्ते से एक बारात जा रही थी। कुछ बारातियों ने कहा कि अगर सूर्यदेव में शक्ति है तो मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम हो जाए। इतना कहते ही मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया और तभी से इस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि पहले पूरब दिशा की ओर था। इस मंदिर के गर्भगृह में आदम कद प्रतिमा भगवान भास्कर के साथ भगवान विष्णु का भी विराजमान है और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।